नई फर्म में मेरी मुलाकात गो से हुई। गो का जन्म हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। सुना बहुत था कि भैया जो वहाँ पर पैदा हो रहे हैं एटम बम के बाद, वहाँ पर कहीं ना कहीं बॉडी में डिफेक्ट आ रहे हैं। उस टाइम मैंने गो से मुंहजुबानी सुन भी लिया और देख भी लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए योगेश वर्मा। पिछले वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया मेरी आर्टिकलशिप जर्नी के पार्ट वन में, जहां मैंने आपको बताया था कि मैंने 15 जून 2013 से 25 अक्टूबर 2013 तक लूथरा एंड लूथरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में अपनी ट्रेनिंग करी है। लूथरा एंड लूथरा को मैंने क्यों छोड़ा, उसका वीडियो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। और 25 अक्टूबर 2013 को ट्रांसफर लेने के बाद आगे मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने फर्म से ट्रांसफर लिया, कुछ दिनों बाद टेंशन फिर से शुरू हो गई कि अब आगे कैसे जर्नी जाएगी, क्योंकि दूसरी फर्म मिलना आसान नहीं था। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर, आप जब SRCC से पास आउट हो, यानी कि आपने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज से जो अपनी अंडर ग्रेजुएशन करी है, जहाँ पर जाना इतना आसान नहीं होता, साथ में इंटरमीडिएट भी आपने एक बार में निकाला है, और मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे हर सब्जेक्ट में 5 नंबर ज़्यादा होते तो मेरी रैंक होती। बट मैंने सेल्फ स्टडी करा, ज़्यादा कोचिंग क्लासेस मैंने ली नहीं, मुझे पता नहीं था मैं पास भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बस ऐसे ही मज़े मस्ती में अपना 100% दे दिया कि भैया जो भी कर रहा हूँ बेस्ट करूँगा, क्योंकि ICAI टफ चेकिंग करता है, मैनिपुलेशन हो जाती है। ये भ्रम जो है मेरे मन में भी था, तो इसके लिए मैंने उस भ्रम को दूर करने के लिए अपनी 10 गुना प्रिपरेशन करी कि भैया 10 गुना के बाद भी अगर फेल करेगा तब जानेंगे कि भैया हाँ सच में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे 7 में से 6 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन आई। उस टाइम 7 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब 8 हो गए हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि भैया ग्रेजुएशन में 2 फर्म आई थी, PwC और EY, वहाँ पर मैं क्लियर नहीं कर पाया, और बाकी जो 2 फर्म थी उसमें बाहर से अप्लाई करना था, कॉलेज नहीं आई थी वो, KPMG एंड डेलॉइट, और बाहर से अप्लाई मैंने करा बट कोई रिवर्ट आ नहीं रहा था। पर मैं 6 महीने के लिए वेट नहीं करना चाहता था कि 6 महीने के बाद जो दोबारा रिजल्ट आने वाला है उसके बाद वहाँ पर वैकेंसी निकलेगी तो फिर शायद मुझे कॉल आएगा, फिर मेरा वहाँ सिलेक्शन होगा। इतना समय मेरे पास नहीं था 6 महीने वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए मैंने एक फर्म को चूज़ कर लिया जो टॉप 20 में आ रही थी और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। पर जो डिफ़िकल्टीज आई, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने उस फर्म से ट्रांसफ़र लिया, और बहुत सारे लोग लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हाईएस्ट एम्प्लॉई टर्नओवर है वहाँ पर। अभी जो मैंने सक्सेस स्टोरी डाली है सिद्धार्थ जैन की, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आ रहा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर भी जब मैंने देखा कि यार इसने भी लूथरा में करी है, तो कितने टाइम के लिए करी, 2 महीने, मैंने तो 3.5 महीने के लिए करी थी। तो यही वहाँ का जो है हाल है। बट खैर आगे बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर के बाद क्या हुआ, फर्म की सर्च दोबारा शुरू हो गई Big 4 में। आपको पता है कि भैया ट्रांसफ़र केस इतनी जल्दी से लेते नहीं जब तक आपका रेफरेंस ना हो, तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही थी, और Big 4 में भी अप्लाई कर रहा था बट कोई रिवर्ट आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि भैया अब क्या करें, वेट तो कर नहीं सकते हैं। तो हफ्ते भर के अंदर ही, खाली मुझसे बैठा जाता नहीं, हफ्ते भर के अंदर ही मैंने घर के पास वाली फर्म ज्वाइन कर ली। इस फर्म का मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे पर्सनल मेंटरिंग सेशन मेरा बुक कर सकते हैं। रीज़न ये है कि बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो फर्म का नाम बिना बताए मैं देना चाहूँगा। ये फर्म जो है मेरे घर के पास थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। इसके पास हर प्रकार का काम था, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बड़े क्लाइंट्स भी थे, बड़े क्लाइंट्स, लिस्टेड क्लाइंट्स सारे थे। तोशिबा भी इनका क्लाइंट था। जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा तो मेरे को दूसरे दिन जो है एक काम दे दिया कि भैया ये जो लिफाफा है, ये जो डॉक्यूमेंट है, आपको जो है देकर आना है भारतीय एयरटेल वॉलमार्ट के ऑफिस में देकर आना है। अब मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या था, मैं वो देकर आया। उसके बाद उनके गुड़गांव ऑफिस का कुछ काम था, कुछ फाइल कलेक्ट करनी थी या फाइल डिलीवर करनी थी, व्हाटएवर, अभी याद नहीं है ध्यान से, बट वो देकर आया मैं। उसके बाद जब मैं वापस आ गया तो इन्होंने जो है मुझे वैट ऑडिट पर भेज दिया। ये वैट ऑडिट उस कंपनी की थी जो आप मॉर्निंग में सुनते हैं न्यूज़ में, कई बार प्राइवेट चैनल्स पे जो है एडवर्टीजमेंट आती है, सुबह 5-6 बजे आती है, ज़्यादा लेट नहीं आती। लक्ष्मी कवच ले लो, ये कवच ले लो, इससे दुनिया बदल जाएगी, ये 999 रुपीज़ का कवच, ये ऐसे घूमता हुआ दिखता है सोने का कवच, मतलब सोने की पॉलिश होती है उस पर, इसमें है सुपर पावर्स, इसको ऐसे पहनने से ये हो जाएगा, वो वाली कंपनी की ऑडिट, वैट ऑडिट। भाई साहब मज़ा आ गया वहाँ पर, मतलब कि बंदे जो है नया कवच लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं देखो इसकी ये पावर है, और ऐसे फेंक रहे हैं, ये लो ये लो ये लो, और एम्प्लॉई कैच कर रहे हैं वहाँ पे, अरे वाह यार सर इसकी ये पावर होती है, सर ये तो बहुत अच्छा बिकेगा, इसमें तो मज़ा आ जाएगा। उनकी जो कॉस्ट होती है 51 रुपया से भी कम की कॉस्ट होती है, और 1000 रुपये से ज़्यादा में बिकता है। तो खैर ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बता सकता, बट इतना ज़रूर बताऊँगा। हुआ क्या, वैट ऑडिट के दौरान मुझे पता लगा यार यहाँ तो जो एंट्री आपने डाली है ना, ये एक्चुअली में है ही नहीं, जो आपने टैली में रिकॉर्ड करी एंट्री, ये तो है ही नहीं, उन्होंने उसी समय शिफ्ट डिलीट कर दी एंट्री को। तो एंट्री को जब ऐसे ही डिलीट कर दिया तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई चेक्स तो है भी नहीं। और तभी जो है अभी रिसेंटली जो है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो है नोटिफिकेशन आई है, जिसको 1 साल के लिए डेफर कर दिया गया है। 7 साल पहले ये चीज़ें हो रही थी, उससे भी पहले हो रही थी, नोटिफिकेशन अब आई है, चेंज अब करना चाहते हैं कि जो भी आप एंट्री करेंगे उसका पूरा ट्रेल रहेगा कि भैया उसमें क्या मॉडिफिकेशन करा, क्या डिलीट करा, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि आपने क्या डाला और फिर चेंज कर आप दूसरी चीज़ दे देंगे तो हम कैसे वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो ठीक है या नहीं है। अभी जो है ICAI की वेबसाइट पर उसको 1 साल बताया गया है कि नेक्स्ट ईयर से वो एप्लीकेबल होगा, इतनी जल्दी लोग नहीं कर सकते। तो खैर जब भी होगा हो जाएगा भैया, पर मुझे तो प्रैक्टिस करनी नहीं क्योंकि गलत रिपोर्ट में साइन करवा नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही सिलसिला चलते रहा, पर अचानक जब मैं फर्म में बैठा था तो
वहाँ पर जापान का एक बंदा वहाँ पर था, गो, उसका नाम गो था। एक जर्मन की लड़की भी थी वहाँ पर, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट गो का मुझे नाम याद है क्योंकि मेरी उससे थोड़ी सी बातचीत भी हुई थी। गो जो है हिरोशिमा नागासाकी में उनका जन्म हुआ था, और बचपन से ही मैं चाहता था ऐसे लोगों से मैं मिलूं। एटम बम फटने के बाद वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों के जो है बॉडी में डिफेक्ट हो रहे हैं, तो मैं चाहता था कि भाई मैं भी मिलूं उन लोगों से कि भाई वो कैसे हैं। तो मैं मिला और उनका थोड़ा सा जो है बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ अंदर से जो है वो एंथुसियाज़म की किसी में कमी है, लाइक बहुत ऐसे बंदा है ऐसे रहेगा, समझ रहे हो आप। तो कुछ ना कुछ जो है बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस में जो है डिफेक्ट तो है, और ऐसा मुझे गो ने भी बताया कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही है। बट वो यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर फर्म की एक पैरेलल कंपनी थी जिसमें वो डायरेक्टर था, इसके लिए वो यहाँ पर आया हुआ था और जो है फर्म के काम में हेल्प कर रहा था। तो भैया ऐसी जो है सिचुएशन हुई और वैट ऑडिट होने के बाद उन्होंने मुझे भेज दिया महिपालपुर, एक रिटेल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसके बहुत सारे टीयर टू टीयर थ्री सिटी में मेगा मॉल्स हैं, उनकी ऑडिट करने के लिए। वहाँ पे बल्क में सामान आता है, पैकेज होकर टीयर टू टीयर थ्री सिटी में जाता है। तो उसकी ऑडिट में भी जो है थोड़े दिन में गया, और वहाँ पर थोड़ा सा जो है बंदा जो वहाँ पर था सीए ही था वहाँ पर दूसरा बंदा, और मैं एक सीए के साथ ही गया था, फर्म के सीए के साथ ही गया था। तो कहता है अच्छा, मैं क्वेरी पूछ रहा हूँ, कहता है तुम में से सीए कौन है। अब मैं तो आर्टिकल था, उसने कहा ये अच्छा फिर मैं इससे बात करूँगा। मैंने कहा ठीक है कर ले यार, ऐसे पेपर देना अलाउ नहीं करता, नहीं तो पेपर क्लियर कर कर ही आता मैं सीए फाइनल के, टाइम वेस्ट कर रहा है बस 3 साल आर्टिकलशिप के नाम पे। कोई नहीं भैया, दिखा लो अपना एटीट्यूड। हम उसके बाद वापस आ गए और फिर जो है मुझे अकाउंटिंग एंट्रीज का काम दे दिया गया, एक बाहर की कंपनी की अकाउंटिंग एंट्रीज थी। तो मैंने दिन भर बैठ कर जो जितने वाउचर आए थे उसकी एंट्रियाँ पास कर दी। तो आप देख सकते हैं मैंने एंट्री, वैट ऑडिट का काम दिया था, तो उसमें भी सारा कुछ वेरीफिकेशन वगैरह मैंने करा था। फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट में कुछ काम करा था, वो भी मैंने आपको बताया। और ऐसे कर जो है मेरा समय निकल रहा था, यानी 25 अक्टूबर के बाद मैंने 3-4 दिन में जो है ज्वाइन कर लिया था, और मेरे 3 हफ्ते होने वाले थे इन्हीं सभी प्रक्रिया में, क्योंकि एक हफ्ता एक क्लाइंट पर गए थे, 2-4 दिन एक क्लाइंट पर गए थे, कुछ ना कुछ जो है काम आ ही रहा था, उसमें जो है समय जा ही रहा था। और बीच में शायद दिवाली भी आ गई थी, जहाँ तक मुझे याद है नवंबर के महीने में 2013 में दिवाली भी थी, तो उसकी छुट्टियाँ भी कई आ गई थी। मिठाई का डब्बा भी उन्होंने दिया था, चॉकलेट का डब्बा भी उन्होंने दिया था। स्टाइपेंड तो नहीं मिली क्योंकि एक महीना नहीं हुआ था। बहुत ही अच्छी फर्म थी, दिल के बहुत साफ थे, बट एट दी एंड कमांडो ट्रेनिंग ही करते थे वहाँ पर भी, कि काम सिखाने वाला कोई नहीं है, आपको दे दिया जाओ और कर कर लाओ। फर्म में जब लंच टाइम हुआ तो लंच टाइम में लंच करने गया बाकी आर्टिकल्स के साथ, उनका खाने का तरीका देखकर मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे कर रहे हैं। एक कटोरे में दाल है और उसमें एक ही चम्मच है, उस चम्मच को एक लड़का ले रहा है, उसी चम्मच से वो लड़की खा रही है, उसी चम्मच से वो दूसरा बंदा खा रहा है, तीसरा खा रहा है, और वो जो 5-6 लोग हैं वो उसी चम्मच को यूज़ कर जो है सब लोग जो है वो दाल पी रहे हैं या जो भी है सब्जी खा रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आया ये कैसे खाना खा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई तू भी ले ले, मैंने कहा ऐसे मैं खाता नहीं, मैं अपना अलग आ गया, और इसलिए जो है मुझे अकेले में लंच करने की जो है आदत है। तो वहाँ से जो है मैं अपनी सीट पर आ गया, सीट पर आकर मैंने अपना लंच खोला और लंच जो है मैंने आराम से करा। उसके बाद खैर चीज़ें हुई और आर्टिकलशिप का फॉर्म भी भरने वाले थे। आर्टिकलशिप फॉर्म के लिए मैंने एचआर को बोला कि जो भी मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रिंसिपल है उनके अंदर जितने भी आर्टिकल रजिस्टर्ड हैं उनकी जो है लिस्ट लिखनी होती है। उस टाइम जो है मैनुअल फॉर्म भरे जाते थे। तो जब मैंने उन्हें ऐसा कहा तो उन्होंने कहा भैया 3-4 के नाम तो मुझे पता है, बाकियों का मुझे पता नहीं, ऐसे ही काम चला लो। मैंने कहा मैम मुझे मत सिखाओ आप। उससे वो नाराज़ हो गए, उन्होंने पार्टनर को कंप्लेन कर दी और पार्टनर ने मुझसे पूछा भाई क्या हो गया था। मैंने कहा बस यही हुआ था सर, मैं तो रूल समझा रहा था, अब उन्हें नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे ही जो है मेरा थोड़ा सा नेचर था। पार्टनर भी हंसने लग गया, कहते कोई बात नहीं ऐसे ही होता है, चलो तुम कोई बात नहीं तुम यहाँ चले जाओ ये वाला काम कर लो। काफ़ी जो है फ्रैंक थे, अच्छी चीज़ें चल रही थी, बट एट दी एंड वो प्रोसेस सिखाने वाला कोई इंसान नहीं था, वो चीज़ की कमी मुझे महसूस हो रही थी। एट दी एंड जो है मैंने सोचा कि अब मुझे रेफरेंस लगा लेनी चाहिए, और फाइनली जो है RSM में मैंने रेफरेंस लगाई क्योंकि वहाँ मेरे कॉन्टैक्ट थे। पहले इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे खुद को प्रूफ करना था, और खुद को प्रूफ करने के बाद मैंने जब टॉप 20 फर्म में खुद से एडमिशन ले लिया, उसके बाद बहुत सारा काम खुद करा, एडी चोटी का जोर लगाया, नई फर्म में भी गया, उसमें भी काफ़ी काम सीखा। बट जब Big 4 के दरवाजे क्लोज हो गए थे, क्योंकि 2 में मेरा कॉलेज में नहीं हुआ था, बाकी 2 में टाइम था नहीं वेट करने के लिए, और ट्रांसफ़र वो लेते नहीं बिना रेफरेंस के, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो RSM में रेफरेंस लगाने के बाद मेरा वहाँ पर रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद सीनियर पार्टनर का इंटरव्यू हुआ, और वो होने के बाद मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू कॉल मुझे आ गई और मेरा सिलेक्शन वहाँ पर हो गया। तो 25 अक्टूबर 2013 के बाद हफ्ते भर में मैंने ज्वाइन करी थी अपनी लोकल फर्म जो घर के पास थी, हालांकि उसके पास बहुत बड़े क्लाइंट्स भी हैं। उसके बाद जो है महीने भर के बाद यानी 25 नवंबर 2013 को मैंने RSM को ज्वाइन कर लिया। RSM को ज्वाइन करने के बाद मेरी जर्नी कैसे रही उसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला हूँ। इस वीडियो का पिछला भाग भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल के नाम पर क्लिक कर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं,
उस प्लेलिस्ट में जो है मैंने माय सीए जर्नी के नाम से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं है, अभी दो या तीन वीडियोस हैं, दो चार वीडियोस और आएंगे और उसमें संपूर्ण ज्ञान जो तीन साल में मैंने लिया है वो आपको मैं फ्री में दे दूंगा और सारी सिचुएशंस भी बताऊंगा जो मेरे साथ हुई थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी अपनी आरएसएम जर्नी के बारे में मैं वीडियो लाने वाला हूं, जो कि वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट अकाउंटिंग ऑडिट फर्म में आती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ये आप विकिपीडिया पे जाकर पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर सारी इंटरनेशनल फर्म्स का रेवेन्यू लिखा होता है। चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो जल्दी ही आने वाला है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने बाकी लोगों के साथ, मेरे पिछले वीडियोस को भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी आर्टिकलशिप जर्नी के बारे में एक फील आ सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद एंड बाय बाय।